आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक ट्यूटोरियल यहाँ पे पोस्ट किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और उस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक था वो ये था कि जो सेफ शॉप की जो बुक है, प्रगति सूत्र बुक है, वो उसे असली उसका नकली कैसे पहचाना जाए और असली कैसे पहचाना जाए। इस ट्यूटोरियल के बाद से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो है कमेंट किए हैं, अपने अपने जो व्यूज़ हैं उन्होंने दिया, अपनी अपनी राय दी है इस किताब के लेकर के, इस किताब के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसके नाम को लेकर के सवाल किए, बहुत सारे लोग इसके नंबर ऑफ पेजेस के बारे में किए, बहुत सारे लोगों ने इसके अमाउंट को लेकर के बातें की, बहुत सारे लोग इस पुस्तक में जो कंटेंट पहले था और जो कंटेंट अब है इसको भी लेकर के बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे अपने जो है अपनी जो राय है उसके रखी। तो दोस्तों, इस किताब के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं या उनकी बातें सामने आई हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि जो किताब है, इस किताब का पहले नाम प्रगति पथ था, अभी ये नाम प्रगति सूत्र हो गया है। पहले ये किताब किसी के नंबर ऑफ पेजेस कुछ और थे, अभी इस किताब में नंबर ऑफ पेजेस अलग है। पहले इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे थे जो बहुत सारे हेल्प करते थे सेफ शॉप में, लेकिन अभी क्या है, ये वो कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया और क्या क्या जो है इसमें बदलाव आया जो आपको दिखाई दे रहा है और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं इस किताब के बारे में पूरी जानकारी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पर, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं सेफ शॉप में, और सेफ शॉप में जब काम करते हैं तो उनका चेक बनता है। चेक को हर व्यक्ति व्यू कर सकता है लेकिन ट्रैक नहीं कर सकता। व्यू और ट्रैक करने का बस इतना सा फ़र्क है कि जब भी चेक बनता है आपका तो आप अपनी आईडी खोल करके व्यू कर सकते हैं कितना रुपए बना है और कितने तारीख को बना है, लेकिन ट्रैक में आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका कितना रुपए बना है और कितना अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, कितने तारीख को बना है, क्या उसका ट्रांजेक्शन आईडी है, कौन से बैंक और बैंक कोड में गया है और क्या उसका एड्रेस है। ये सब कुछ आप कमीशन अपना ट्रैक कर सकते हैं, अपनी टीम का ट्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो सेफ शॉप का जो ये जो पुस्तक है, जो अभी हमारे आपके पास प्रगति सूत्र नाम से ये आपके पास मौजूद है, ये मेरे पास भी है, तो बहुत सारे साथी इसको लेकर के बहुत सारे सवाल और बहुत सारे भ्रम को लेकर के मुझे लगा कि भ्रमित हैं बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है कि इसका जो नाम है वो प्रगति पहले पथ था, अभी प्रगति सूत्र हो गया है, तो ऐसा क्यों हो गया? तो प्रगति पथ पहले इसका नाम था, अभी इसका नाम प्रगति सूत्र हो गया है। पहले भी आप देखेंगे तो कॉमन बात यह है कि पहले भी इसके जो राइटर थे वो संजय जैन सर थे और नरसिंह अग्रवाल सर थे, तो अभी भी इसके जो राइटर हैं वो जो है अग्रवाल सर हैं और जैन सर हैं। इसका नाम प्रगति पथ से प्रगति सूत्र कैसे पड़ा ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जहाँ पे बिज़नेस को काफ़ी अपडेट किया जा रहा है, और जब भी आदमी अपने बिज़नेस में कभी भी अपडेट करता है, अपनी कंपनी में कभी भी अपडेट करता है, अपने काम के तौर तरीके में जब भी अपडेट करता है, तो एक काम वो और करता है साथ में कि वो अपनी कंपनी का नाम बदल लेता है या उसके साथ कुछ ऐड करता है या उसके साथ कुछ रिमूव कर देता है। तो उसी तरह से सबसे पहले तो इसको अपडेट करने से पहले इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया, प्रगति पथ की जगह पे प्रगति सूत्र कर दिया गया, जो कि आप भी जानते हैं कि सेफ शॉप का भी पहले नाम है कुछ और था, अभी कुछ नाम सेफ शॉप हो गया है। और भी कंपनियां, जैसे सेफ शॉप ही नहीं, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जब भी अपने तौर तरीके में या अपने कुछ चीज़ों को ऐड और रिमूव करती हैं तो अपना नाम बदल लेती हैं। वो काफ़ी लीगल चीज़ है और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इन्होंने भी मॉडिफाई करने से पहले अपना नाम बदला, जो कि लीगल है और अच्छी चीज़ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोग कहते हैं कि ये 138 पेज की है,
पहले 188-186 पेज की थी, तो अभी ये पतली हो गई है और दाम वही है। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण सबसे पहले ये है कि इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला जो चेंज हुआ है कि ये इसमें पहले जो प्रगति पथ थी उसमें सेफ शॉप का नाम दर्ज होता था कि सेफ शॉप की किताब है। अभी ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे किताब सेल की जा रही है, प्रमोट की जा रही है। और ये जो है और इंटायर जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इंटायर डायरेक्ट सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है, उन सभी लोगों के लिए बुक है, ना केवल ये सेफ शॉप के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। हर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति इसको ले सकता है। तो इसको जो है ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है, इसको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी नेटवर्कर इसे ले सकता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की बुक है, ना कि केवल ये सेफ शॉप की बुक है, इस चीज़ को समझना है। इसके बाद से दूसरा जो इसमें चेंज हुआ है कि पहले इसमें जो है हमारे स्वर्गीय श्री जो श्याम सुंदर जी थे उनके बारे में बताया जाता था, उनके चेक्स को इसमें जो है पब्लिश किया जाता था, तो उसकी वजह से कुछ पेजेस जो है बढ़ जाते थे। अभी ये कम हो गए हैं इसलिए क्योंकि उनका जो जीवन परिचय है, उनके जो चेक्स हैं, वो उसको अब नहीं दिखाया जाता, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ पेजेस कम हो गए हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस किताब में कि इसमें हम देखते थे कि हमारे जो सक्सेसफुल लीडर होते थे उनका इसमें जो है बायोडाटा होता था, उनका जीवन परिचय होता था, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी इसमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन जो चेंज हुआ है, मैं बस उसके बारे में बात करता हूँ, तो अभी वो रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव इसलिए कर दिया गया क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे हमेशा बना नहीं रहता, उसमें बदलाव होते रहते हैं और बहुत सारा ऐसे कोलैप्स हुआ है सेफ शॉप में, बहुत सारे लोग रुके भी, बहुत सारे लोग चले गए, तो इसे भ्रमित रहता है आदमी कि वो हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि प्रगति पथ के अगेंस्ट बने कि देखिए इसमें जितने सारे लोग हैं वो सारे दूसरी कंपनी में चले गए। तो इसको एक हटा करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इसके पक्ष में हूँ कि अगर वो चैप्टर इसमें से हटा दिया गया कि ये लीडर सेफ शॉप में काम करते हैं तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो उनकी जो पोस्ट है वो भी हमेशा बनी नहीं रहती और उनका रहना और नहीं रहना भी थोड़ा सा ऐसे था कि पता नहीं है कि चले गए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा हुआ। इसके बाद से आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेफ शॉप से रिलेटेड थी और इस किताब में ऐड थी और अभी ये प्रगति सूत्र बुक में ऐड नहीं है, जिसकी वजह से जो पेजेस हैं वो 188 से 138 के में हो गए हैं। अभी जो ये प्रगति सूत्र बुक है मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें केवल काम की बातें हैं, जो काम की बातें हैं, काम कैसे कराना है, काम कैसे करना है, और जो अपडेट है इस समय, जो लेटेस्ट अपडेट चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के व्यक्ति को, जो जानकारी चाहिए वही इस किताब में दर्ज है और सभी के लिए है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ है कि हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सेफ शॉप की किताब है, लेकिन हम ये ज़रूर प्रूफ कर सकते हैं कि ये सेफ शॉप के ही सबसे बड़े जो है क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लीडर के द्वारा राइट की गई बुक है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को बताना उचित समझा, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं और इस ये जो प्रगति सूत्र है ये बेहतर है या नहीं है बेहतर, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद लगे तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर इस ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, इसे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।